Hi friends, welcome to Tally Digital Class। फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। मैंने कहीं पिछले 3-4 सब्जेक्ट की मैंने जो IMP भेजी थी, टैक्सेशंस की, स्टेट वगैरह, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो ये एक वीडियो मैंने अपलोड करना रह गया था मुझसे। तो कई लोगों की कमेंट आई मुझे कि आपने ऑडिटिंग की IMP नहीं भेजी, तो उसके लिए मैं आज लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑडिटिंग की IMPs कुछ देने वाला हूँ। ऑडिट के IMP मैं आपको आज यहाँ पर देने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपने ऑडिट की IMP नहीं भेजी। मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं आखिर, तो मैंने आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। फिर से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आप लाइक करना भूल जाते हो तो मैं आप बोल देता हूँ कि अभी से आप लाइक कर दें, क्योंकि आप IMPs देखने में ही लाइक करना भूल जाते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ऑडिट की IMPs तो मैं यहाँ पर लेकर नहीं आ सका, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काम आ सकती है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख लिए SY BCOM सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग 1। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट है, उसके बारे में, उसका परिचय, इंट्रोडक्शंस की बात ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। इसके बाद ऑडिट की व्याख्या और उसका हेतु, ये दोनों आपको याद कर लेना है। फायदा और मर्यादा, फिर ऑडिट का प्रकार, आंतरिक ऑडिट, फिर इसके बाद ये उसके फक्त ख्याल, ये थोड़े बहुत याद आपको कर लेना है। 10 चैप्टर है ऑडिट में, उसमें से आपको सब याद नहीं करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन उसको याद करना है, व्याख्या और हेतु, फ़ायदा मर्यादा, और कानूनी ऑडिट एंड आंतरिक ऑडिट, इसका आपका तफावत याद कर लेना है। इसके बाद मैं दूसरा बात करूं, कंपनी ऑडिटर में उसकी लायकात और गैर लायकात, निमणूक अने दूर करवा, मतलब उसकी ऑडिटर की नियमक कैसा होती है और उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ लेना एक बार। उसका वेतन, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसका दर्जा कितना होगा, वो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके हक, मतलब वो क्या कर सकता है, और उसकी फ़र्ज, ये हक और फ़र्ज उसका थोड़ा बहुत ही आपको देख लेना है। इसके बाद मैं यूनिट 2 की बात करूं, तो आंतरिक ऑडिट सब यूनिट में आपको थोड़े बहुत महत्व, तो आपको हेतु उसका याद कर लेना है। उसका हेतु कंपलसरी हर उसमें पूछा था, ये हर एग्ज़ाम में हेतु तो उसका पूछा था। ये आंतरिक अंगूश, ये आपको थोड़ा याद कर लेना है, आंतरिक अंगूश का अर्थ और महत्व ये आपको याद करना है। ऑडिट कार्य व्यवस्था आपको थोड़ी बहुत देख लेनी है कि ऑडिट करने से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या प्लानिंग होती है, उसके बारे में क्या क्या, मतलब पूरी डिटेल यहाँ पर अंदर आपको दी हुई है, वो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। और उसका कार्यक्रम कैसे घड़ते हैं, मतलब इसके बाद क्या करना है, वो सब डिटेल इसके अंदर दी है, वो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ऑडिट नोटबुक मतलब जो ऑडिटर ऑडिट करेगा उस वक्त जो भी भूल वगैरह जो भी होगी हो, उसके लिए अलग नोट बनाई जाती है, तो वो भूल के लिए जो भी नोट होती है उसको ऑडिट नोटबुक कहते हैं, और उसके अंदर सारी डिटेल भरने के वो भरता है ऑडिटर। कामकाज ना कागज़ मतलब जो भी है, बिल है, भरती है वगैरह जो भी है, उसको हम कामकाज ना कागज़ बोलते हैं। फिर कार्यक्रम, इसके बाद नित्य क्रम चकासनी, मतलब सारी उसको डिटेल की जो भी डिटेल अकाउंटेंट ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो सब उसको यहाँ पर फिल आउट करनी होती है, और व्यवस्थित रूप से उसको चेक करना होता है। प्रयोगात्मक चकासनी,
अणधारी चकासनी, अणधारी चकासनी में ऐसा होता है, अणधारी चकासनी इसमें ऐसा होता है कि ऑडिटर अपने क्लाइंट को बताए बिना, अपने क्लाइंट को बताए बिना उसकी जो भी है उसका ऑडिट करने के लिए पहुंच जाता है, उसको अणधारी तपास, अणधारी चकासनी कहते हैं। इसके बाद में यूनिट 3 की बात करूँ, वाउचिंग। वाउचिंग मतलब जो वाउचर होते हैं उसमें से, वाउचर मतलब तो वो अपने जो कैश लेते हैं तो कैश का वाउचर होता है, बैंक का वाउचर, कैश लेजर, वो जो भी होता है उसको, उस पर से जो भी व्यवहार होते हैं उसको हम वाउचिंग कहते हैं। और उसका आपको यह अर्थ, महत्व और रोकड़ व्यवहारों में वाउचिंग, ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। इसके बाद मिलकत अने देवानी चकासणी अने मूल्यांकन। ऑडिटर को सिर्फ ट्रांजेक्शन याद नहीं करना, देखने होते हैं मतलब कैश में जो सेल किया, जो परचेज किया, वो सब तो देखना ही है, प्लस उसके पास जो क्लाइंट के पास जो मिलकत है, जो लाइबिलिटी है, वो सब का भी उसको वेरिफिकेशन करना होता है। तो मिलकत अने दीवानी चकासणी अने मूल्यांकन, तो उसका आपको अर्थ याद कर लेना है, अर्थ थे अंगे ऑडिटर ने फरजो चकासणी ना मूल्यांकन। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत आपको पागड़ी, मकान, मशीनरी, इन्वेंटरी, लॉन, इसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी बहुत आपको याद कर लेनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप कहीं लोग कमेंट में मुझे बताया था, कमेंट में मुझे बताया गया था कि आपने इसके बारे में और वीडियो नहीं बनाई, तो मैं सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से दोस्तों इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।